इस संसार में भारत ही एक ऐसा देश है जहाँ से ज्ञान का उद्गम हुआ है। इस ज्ञान के सोत्र भारत में हर प्रकार का विज्ञान भी है। बाहुबली लोग भी विज्ञान से ही बाहुबली बनते हैं और हमारे भारतवर्ष में पहले देव, असुर, गंधर्व, किन्नर, यक्ष, मानव, नाग आदि जातियाँ निवास करती थी। उस काल में एक से बढ़कर एक बाहुबली होते थे, लेकिन हम उन असुरों की बात नहीं कर रहे जो अपनी मायावी शक्तियों के बल पर कुछ भी कर सकते थे। हम बात कर रहे हैं ऐसे लोगों की जिनकी भुजाओं में अपार बल था। बाहुबली का अर्थ किसी मूवी से नहीं है, बल्कि बाहुबली वह लोग होते हैं जिनकी भुजाओं में अपार बल होता है। हम आपको बताएंगे भारत के प्राचीन काल में ऐसे कौन कौन से व्यक्ति थे जिनकी भुजाओं में आम इंसान के अपेक्षा कहीं ज्यादा बल था। हिंदू धर्म के 5 बाहुबलियों के बारे में जानने से पहले यह भी जान ले कि हमारी वीडियो देखने वाले 99% लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। अगर आप भी उन 99% लोगों में आते हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। नंबर 1, श्री हनुमान जी। श्री रामदूत हनुमान जी के बारे में मैं क्या कहूँ। उनके पराक्रम और बाहुबल के बारे में रामायण सहित दुनिया के हजारों ग्रंथों में लिखा हुआ है। केसरी नंदन पवन पुत्र श्री हनुमान जी को भगवान शंकर का अंशावतार भी माना जाता है। उन्होंने ही श्री रामचंद्र जी और रावण के बीच हुए संग्राम में रावण की कई सेना को निस्तनबूत कर दिया था। नंबर 2, कुंती पुत्र भीम। पांडु के 5 में से दूसरे पुत्र का नाम भीम था, जिन्हें भीमसेन भी कहते हैं। कहते हैं कि भीम में 10,000 हाथियों का बल था और वह गदा युद्ध में परंगत था। एक बार उन्होंने अपनी भुजाओं से नर्मदा का प्रवाह रोक दिया था, लेकिन वह हनुमान जी की पूंछ को नहीं उठा पाए थे। महाभारत में भीम ने ही दुर्योधन और दुशासन सहित गांधारी के 100 कौरव पुत्रों को मारा था। द्रौपदी के अलावा भीम की दूसरी पत्नी का नाम हिडिंबा था, जिससे भीम को परमवीर पुत्र घटोत्कच प्राप्त हुआ था। भीम बलशाली होने के साथ साथ एक बहुत अच्छा रसोईया भी था। विराट नगर में जब अज्ञातवास के समय द्रौपदी सैरंध्री बनकर रह रही थी, तब द्रौपदी के शील की रक्षा करने हेतु उसने कीचक को मारा था। श्री कृष्ण के परम शत्रु मगध नरेश जरासंध को भीम ने ही मारा था। नंबर 2, महाबली बली। महाराज बली 5वें चरणजीवी हैं। यह विरोचना के पुत्र तथा प्रहलाद के पोते हैं। इनको तीनों लोकों का राजा भी कहा जाता है। जब प्रभु श्री विष्णु जी ने अपना वामन अवतार लिया था, तब उन्होंने राजा बली को अमर होने का वरदान दिया था। माना जाता है कि प्रतिवर्ष ओणम के दिन यह पृथ्वी लोक पर आते हैं। इस वक्त वह पृथ्वी पर घूम घूम कर अपनी प्रजा को देखते हैं। नंबर 4, वानर राज बली। वानर राज बली किष्कंधा का राजा और सुग्रीव का बड़ा भाई था। बली का विवाह वानर वैद्यराज सुषेण की पुत्री तारा से संपन्न हुआ था। तारा एक अप्सरा थी। बाली को तारा किस्मत से ही मिली थी। रामायण के अनुसार बाली को उसके धर्मपिता इंद्र से एक स्वर्ण हार प्राप्त हुआ था। इस हार की शक्ति बहुत ही अजीब थी। इस हार को ब्रह्मा ने मंत्र युक्त करके यह वरदान दिया था कि इसको पहनकर बाली जब भी रणभूमि में अपने दुश्मन का सामना करेगा तो उसके दुश्मन की आदि शक्ति क्षीण हो जाएगी और वह आदि शक्ति बाली को प्राप्त हो जाएगी। इस कारण से बाली बाहुबली बनकर लगभग अजय था। महाबली बाली के पास 100 हाथियों के बराबर बल था। वह बहुत ही शक्तिशाली था। ऐसा कोई भी योद्धा नहीं था जिनको उसने परास्त ना किया हो। उसके पास इतना बल था कि एक बार लंकापति रावण को भी उसने अपनी भुजाओं में दबाकर पूरी पृथ्वी में घुमाया था। नंबर 5, भगवान बाहुबली। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकार ऋषभनाथ के 2 पुत्र भरत और बाहुबली थे। भरत के नाम पर ही इस देश का नाम भारत रखा गया था। राजा भरत को अपनी आयुधशाला में एक दिव्य चक्र प्राप्त हुआ। चक्र रत्न मिलने के बाद उन्होंने अपना दिग्विजय अभियान शुरू किया। दिव्य चक्र आगे आगे चलता और उसके पीछे दंड चक्र, दंड चक्र के पीछे पदाती सेना, पदाती सेना के पीछे अश्व सेना, अश्व सेना के पीछे रथ सेना और हाथियों पर सवार सैनिक आदि चलते थे। जहाँ जहाँ चक्र जाता था वहाँ वहाँ के राजा या अधिपति सम्राट भरत की अधीनता स्वीकार कर लेते थे। इस तरह पूर्व से दक्षिण, दक्षिण से उत्तर, उत्तर से पश्चिम की ओर उन्होंने यात्रा की और अंत में जब उनके पुनः अयोध्या पहुँचने की मुनादी हुई तो राज्य में हर्ष और उत्साह का माहौल होने लगा। लेकिन अयोध्या के बाहर ही उनका चक्र स्वयं ही रुक गया, क्योंकि राजा भरत ने अपने भाइयों के राज्य को नहीं जीता था। बाहुबली को छोड़कर सभी भाइयों ने राजा भरत की अधीनता स्वीकार कर ली। भरत का बाहुबली से मल्ल युद्ध हुआ, जिसमें बाहुबली जीत गए। ऐसे में बाहुबली के मन में उदासी का भाव आ गया और उन्होंने सोचा कि मैंने राज्य के लिए अपने ही बड़े भाई को हराया है। उन्होंने जीतने के बाद भी भरत को अपना राज्य दे दिया। इस तरह भरत चक्रवर्ती सम्राट बन गए। भरत को राज्य देने के बाद बाहुबली खुद घोर तप शरण में लीन हो गए। तपस्या के बाद उनको बहुत सारा ज्ञान प्राप्त हुआ। भरत ने बाहुबली के सम्मान में पोदनपुर में 525 धनुष की बाहुबली की मूर्ति प्रतिष्ठित की। तो दोस्तों, यह थे हिंदू धर्म के 5 बाहुबली। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और यह वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।